ये जख्म नहीं फूलों के गुच्छे हैं, हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं भगत सिंह के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं उस युवा के बारे में जिसकी मिसाल है उस समय में दी जाती थी जब आज़ादी की लड़ाई चल रही थी। उसकी मिसालें आज भी दी जाती हैं और दी जाती रहेंगी। मैं भगत सिंह का एक वाक्य आपके बीच शेयर करने जा रहा हूँ, जिससे आपके अंदर की आग, आपके अंदर की जुनून और आपके अंदर की शक्ति है वो प्रकट हो जाएगी। आप देखिए, आपको पता चलेगा कि किसी क्रांति के लिए, किसी भविष्य के नियोजित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कितनी बड़ी कुर्बानी देनी पड़ती है, कितनी सहनशीलता होनी चाहिए जब हम अपने लक्ष्य को अचीव कर पाएंगे। एक बार जब चंद्रशेखर आज़ाद जी क्रांतिकारी घटनाओं को अंजाम दे रहे थे और अपना मिशन लेकर चल रहे थे, तो भगत सिंह जी उनके पास पहुँचे और उनसे कहा कि मुझे अपने दल में शामिल कर लीजिए। तो चंद्रशेखर आज़ाद जी बोले भगत से कि क्या ये रास्ता है जो आप चुनने की बात कर रहे हैं, ये कहने में आसान लगता है, क्या इस रास्ते पर आप चल पाओगे? जहां मौत का पता नहीं है, क्षण भर में ही आप हो या ना हो इसका कोई पता नहीं, इसमें आपको कितने कष्ट मिलेंगे ये मैं भी नहीं बता सकता। तो ये बात को भगत सिंह सुनकर पास चल रही आग में हाथ रखकर खड़े हो गए। जब उनका हाथ से जलकर उनके हाथ का मांस आग में टपकने लगा, तो सारे कमरे में एक बदबू, एक गंध फैल गई। तो उसी समय जब चंद्रशेखर आज़ाद जी ने देखा कि भगत सिंह आग पर अपना हाथ रखे हुए हैं और मुंह से आह भी नहीं निकल रही है, उन्हें आभास हो गया कि एक क्रांतिकारी कोई आम क्रांतिकारी नहीं है, इसके अंदर वो ज्वाला स्वतंत्रता की, आज़ादी की आग जल रही है। वो आग हमें अपने अंदर, हर एक भारत के युवा के अंदर वो आग जलानी होगी, वो क्रांति पैदा करनी होगी, तभी बदलाव आ सकता है। अगर हम बदलाव चाहते हैं तो हमें बदलना होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, आप भगत सिंह को दिल से जानते हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों तक, क्योंकि हर एक भारतीय एक क्रांति की लहर पहुंचनी चाहिए। धन्यवाद। भारत माता की जय। इंकलाब जिंदाबाद।